इसकी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करनी है, उसका वाला मैंने प्रोडक्ट पूछा था बच्चों आपको। इसके अंदर आप क्या करोगे, इसको ना ऐसे करके लिख लो, है ना, ये जो अपना रिएक्टेंट है ना, इसको ऐसा खोल कर लिख लो, ठीक है। ऐसे आपने खोल कर लिख लिया अपने रिएक्टेंट को। उसके बाद आप क्या करो, इसके अंदर डिग्री असाइन करो। ये वाला 1 डिग्री कार्बन है, तो इतने 3 हमारे पास 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन प्रेजेंट है एवरीवन। ये वाला जो है 3 डिग्री वाला कार्बन है, इसका मतलब 1 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये वाला भी 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री। क्या किसी को इसमें डाउट है, क्या किसी को ये चीज के अंदर कोई क्वेश्चन है कि हमको ये समझ में नहीं आता कि 1 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है? ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। 1 डिग्री मतलब वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड हो, अगर एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। ये वाला 1 डिग्री है, ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ये वाला कार्बन 1 2 3 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 3 डिग्री वाला कार्बन, टर्शियरी कार्बन। ये वाला कार्बन 2 से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन। ये वाला कार्बन 2 से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन। ये वाला भी 2 डिग्री। अब 1 डिग्री वाला अगर हमको फाइंड आउट करना हो कि 1 डिग्री वाले के अंदर कितना प्रोडक्ट हमारा बन सकता है, क्लोरीनेशन के अंदर बच्चों मैंने रेशियो बताया था 1:3.8:5, ये हमने रेशियो कहा था। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है 1 डिग्री में, तो 3 × 1 अपॉन जो भी डिनोमिनेटर होगा, परसेंटेज निकालने को नहीं पूछते हैं। इधर के लिए ये इसके लिए है, इसके लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, 1 हाइड्रोजन है 3 डिग्री वाला इंटू 5 अपॉन जो भी डिनोमिनेटर हो। अब देखो ये वाला जो है, ये भी ए, ये भी ए, इसको भी कर लो, इन दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, यहाँ पर लगेगा तो हमारा प्रोडक्ट सेम होगा, इन दोनों सिमिलर है। ये वाला 2 डिग्री वाला कार्बन डिफरेंट है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन 2 डिग्री वाला इनटू 3.8 अपॉन डिनोमिनेटर। और ये वाला बच्चों अलग है, तो इधर 2 हाइड्रोजन 3.8 अपॉन डिनोमिनेटर। आया समझ में सबको ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया, जो मैंने व्हाट्सएप करके लिखा था? यस मैम। यस मैम। अब इसके बेस पे आप निकाल लोगे, अगर इसको ए बी, इसको सी नाम दे दे, इसको डी नाम दे दे, तो ए वाला ज्यादा बनेगा। यस मैम। यहाँ पर 7.6 है, इधर 5, उधर 3, तो फिर बी वाला, फिर सी वाला और फिर डी वाला, ये हो जाएगा अपना क्लोरीनेशन का ऑर्डर। ऑलराइट। यस मैम। यस मैम। ब्रोमिनेशन तो बहुत ही आसान है, ब्रोमिनेशन तो आपको करना टर्शियरी में जाएगा, सीधा टर्शियरी में लगा। ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सीधा ब्रोमिनेशन लगा, ठीक है। क्यों उस केस के अंदर वो दोनों के दोनों अलग थे, क्योंकि क्लोरीनेशन वाला वापस बता रही हूँ, उसका ना नाम भी बता रही हूँ, एक बारी यहाँ पर लग सकता है, एक बारी यहाँ पर लग सकता है, एक बारी यहाँ पर और एक बारी यहाँ पर। इनका नाम भी डिफरेंट है, साइक्लोब्यूटेन है एक तरफ, क्लोरो है एक तरफ, मिथाइल है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, और इधर में 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो इन दोनों सेकेंडरी कार्बन पे सब्स्टिट्यूट हुए थे, पर इन दोनों आइसोमर्स है, ठीक है। यस मैम। एंड एवरीवन, सबसे पहले चीज समझ में आई? यस मैम। लास्ट क्लास में हमने प्लस एम माइनस एम इफेक्ट पढ़ा था बेंजीन के लिए, ठीक है ना। yes, अब yes, हम उसके आगे क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। चलो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देती हूँ बच्चों, ठीक है। If CA2
क्या प्रोडक्ट बनेगा और ऊपर वाले को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, ऊपर वाले को थोड़ा सा चेंज करो, ये तो तुमको पता ही है। ऐसा करो, ये भी लिख देती हूँ ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, फर्स्ट वाले में क्या प्रोडक्ट बनेंगे? टेल मी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। फर्स्ट वाले में कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? दो। दो कौन कौन से बचे? और पैरा। और कौन सा वाला मीटर बोलोगे? मैम पैरा। ये वाला मेजर हो जाएगा, वेरी गुड है ना। ये वाला माइनर, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़, वो आपस में क्राउडिंग ज्यादा है, तो फिर आपस में रिपेल कर रहे हैं दोनों बड़े बड़े ग्रुप से। मिथाइल के अंदर भी कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन तो साइज में ही बड़ा होता है। अच्छा, इधर वाले में क्या बनेगा? सेकेंड वाले में मेटा। किसका मेटा? इथाइल का मेटा, नाइट्रो का मेटा? नाइट्रो। नाइट्रो, नाइट्रो का मेटा या फिर इथाइल का ऑर्थो? यस मैम, है ना। करें, अच्छा। और इधर वाले में क्या बनेगा? थर्ड वाले में, आई होप सबको सेकंड समझ में आ गया हो। इसकी वजह से ये माइनस एम ग्रुप है, ये मेटा पर डालेगा। ये वाला एल्काइल है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये भी या तो ऑर्थो पर डालेगा, और पैरा वाला ऑक्सीपाइड है, तो इधर और इधर दोनों में से किसी भी जगह लगा सकते हैं। बात एक ही है। अच्छा, और इधर ए क्या बनेगा? टोलुइन। टोलुइन, यस, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पिछली क्लास में बच्चों को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन सिखाया था, उसी का मैं ऊपर का मिटा लूं। ऊपर तो किसी को कोई डाउट नहीं है फर्स्ट टू क्वेश्चंस में? नो मैम। नो मैम। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ? जो CH3Cl है उसके अंदर एनहाइड्रस AlCl3, मतलब अगेन ल्यूविस एसिड। AlCl3 क्या है? ल्यूविस एसिड। ल्यूविस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर ल्यूविस एसिड्स। तो CH3Cl को तोड़ो, जैसे आपने क्लोरीन को मैच किया था ना, तभी आपने क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, तो इसको कैसे ब्रेक किया था? Cl प्लस और Cl माइनस में, और Cl प्लस ने अटैक किया था बेंजीन रिंग पर, क्लोरोनियम आयन ने अटैक किया था बेंजीन रिंग पर। ऐसे ही आप इधर CH3Cl को तोड़ोगे, CH3Cl को तोड़ोगे तो CH3 का कार्बोकैटायन और Cl माइनस, जो कि AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा। तो ये जो CH3+ का कार्बोकैटायन है, ये जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और अपना बनेगा टोलुइन। और यहाँ पर अगेन, अब ये आपको पता ही है कि ऑर्थो पैरा पे जोड़ देना है। अच्छा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बेंजीन के अंदर जब भी हम अल्काइल हैलाइड ऐड कर रहे होते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ओके, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसके अंदर CH3+ कार्बोकैटायन बनता है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। आगे बढ़ लूं मैं? अब कुछ क्वेश्चंस तो नहीं? कार्बोकैटायन CH3+ वाला बना, समझ में आया? डिटेल में जाऊं क्या कि क्लियर है? क्लियर मैम। क्लियर है, चलो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन दे रही हूँ फिर, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स वाला जो 11 का चैप्टर है, उसका क्वेश्चन दे रही हूँ, मतलब लेकिन इसी से रिलेटेड। अगर हमारे पास ये है,
AlCl3 की प्रेजेंस में. हाँ AlCl3 लिखा हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, आयरन ऑब्लिक क्लोरिन, तो ये सारे के सारे ल्यूविस एसिड्स हैं. ठीक है, तो अभी मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा. स्टेप नंबर वन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3 के साथ रिएक्ट करके क्लियर ये होगा पहले स्टेप में. कोई डाउट नहीं इसके अंदर एवरीवन? यस मैम. है ना, नो डाउट्स. ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, ये क्या है, कार्बोकैटायन? यस मैम. बेंजीन पर क्या अटैक करेगा, यही अटैक करेगा? यस मैम, कार्बोकैटायन. लेकिन इसके अंदर क्या होगा, रीअरेंज. देखो अगर आप इसको बेंजीन से ट्रीट करवा देते तो आप बना देते ये, मतलब बेंजीन पर प्रोपाइल लगा देते, दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट, समझो इसको. ठीक है, हुआ क्या यहाँ पर, ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज माय 1 डिग्री कार्बोकैटायन. इसके अंदर ये जो 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है ना, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, इसके अंदर होगी रीअरेंजमेंट. कैसे रीअरेंजमेंट, मैंने बताई थी कार्बोकैटायन के अंदर रीअरेंजमेंट के 3 तरीके होते हैं, यहाँ से ये एच चला जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर. एच के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन था, एक इस कार्बन का जो इसने बॉन्डिंग में यूज कर रखा था, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया. तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट हुई, H माइनस शिफ्ट लिख देते हैं, तो CH3CH+CH. अब ये बन गया बच्चों 2 डिग्री कार्बोकैटायन. नाउ दिस इज गोइंग टू अटैक, ऑन द बेंजीन रिंग, और हमारा प्रोडक्ट बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन. सीएच से जुड़ेगा ना, इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्विनोन, क्विमीन, क्यूमीन, CUMENE. ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. 11th का टॉपिक है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ाया था तो मैंने कहा यही बता देती हूँ. ठीक है, इसीलिए. पर समझ में आया सबको, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, यहाँ पर पीछे मैंने वो स्टेप्स खा लिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो सारे स्टेप्स भी थे, पर वो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया. आगे बढ़ू मैं, कोई डाउट नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं है ना, आगे बढ़ू. हाइड्राइड शिफ्ट आपको समझाया था, मिथाइल शिफ्ट समझाया था, रिंग एक्सपेंशन आज की क्लास में करवाऊंगी. ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमने एल्केन से पढ़ने, एल्केन से अगर हमको अल्काइल हैलाइड बनाना हो तो हमने एक पढ़ा फ्रीडल क्राफ्ट वाला रिएक्शन, जो कि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर मैंने कहा था एच न्यू लिखा होता है, उसको डब्बे को बाहर रख दो, एल्केन को और क्लोरीन को, या एल्केन और ब्रोमीन को. फिर हमने पढ़ा बेंजीन से अराइल हैलाइड बनाने का, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनाने का, जिसके अंदर ल्यूविस एसिड, कोई भी आयरन ले लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लो, तो हम उसकी क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन कर सकते हैं. अनदर मेथड इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3 इज सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एनिलीन होती है. एनिलीन मतलब ये, इसको कहते हैं एनिलीन. बेंजीन पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं एनिलीन. तो एनिलीन को हम ट्रीट करते हैं NaNO2, सोडियम नाइट्राइड और HCl से, एट अ वेरी लो टेम्परेचर.
NaNO2 plus HCl 0 to 5 degree Celsius at a very low temperature. और तब NaCl निकल जाता है, ये बन जाता है N2 plus Cl minus, NnN2 plus Cl minus. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायज़ोटाइज़ेशन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायज़ोटाइज़ेशन और इसको हम कहते हैं डाइज़ोनियम आयन. This diazonium ion is very important. ठीक है, इससे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो, बहुत 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 सारे. तो ये diazonium ion बहुत जरूरी है. ठीक है, इस रिएक्शन को हम पूरे के पूरे प्रोसेस को ही कह देते हैं diazotization. इस प्रोसेस को हम कह देते हैं diazotization. ये अपने diazonium ion बन गई. अब इस diazonium ion से आप कुछ भी बना सकते हो. अगर आपने इसको Cu2Cl2 के साथ ट्रीट किया तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन. अगर इसको आपने Cu2Br2 के साथ ट्रीट किया तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन. अगर आपने इसको CuCn के साथ ट्रीट किया तो बन जाएगा बेंजीन पे CN. इसको कहते हैं बेंजोनाइट्राइल. इसको कहते हैं बच्चों बेंजोनाइट्राइल. ठीक है, और ये बेंजोनाइट्राइल बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस से ना हमको बेंजोइक एसिड मिल जाता है बेंजीन पर COOH. तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजोनाइट्राइल बनाने के लिए हम लोग डाइजोनियम आयन को यूज कर सकते हैं. देखो, हम लोग एराइल हैलाइड बनाना है, हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन बनाया. ठीक है, अगर हमको फ्लोरो और आइडोबेंजीन बनाना हो, उसका भी रिएक्शन है, उसके अंदर भी हम लोग यूज इसी को करेंगे, डाइजोनियम आयन को. डाइजोनियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजोनियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको मैं यहाँ पर भी पढ़ा रही हूँ और फिर क्लास 12th का ही ना चौथा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाइट्रोजन कंपाउंड वाला, उसके अंदर भी हम लोग डाइजोनियम आयन पढ़ेंगे, सेम चीज. ठीक है, बताऊ आगे, ये जी समझ में आ गया सैंडमेयर रिएक्शन, नाम इम्पोर्टेंट है. अच्छा, मैं लेफ्ट साइड वाला मिटा रही हूँ बच्चों. मैं बस नोट कर रहा हूँ. क्या नोट कर रहा हूँ? नोट कर रहे हो, रुको मैं अंडू कर देती. ये ले बेटा, मैं हो गया. इसी डाइजोनियम आयन से, अच्छा, अगर ये वाला था तब तो हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन. अगर इस डाइजोनियम आयन को हमने HPF4 के साथ हीट किया तो बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन. अगर हमको फ्लोरोबेंजीन बनाना हो ना तो HBF4 के साथ हीट कर देते हैं. और अगर इसको KI के साथ हीट किया, KI के साथ ट्रीट किया, बस हीट करने की भी जरूरत नहीं, तो बन जाता है आइडोबेंजीन. ये अपना मास्टर रिएक्शन जैसे हो गया. ठीक है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ये जो डाइजोनियम आयन है, ये एट लो टेम्परेचर हमने लिखा था ना, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इतना ठंडा, देखो कितना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, इतना कम टेम्परेचर पर होनी चाहिए. अगर बाय चांस टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो हमारे डाइजोनियम आयन के अंदर से क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और बन जाता है ये माइनस भी निकल जाएगा फिनाइल कटायन, फिनाइल वाला कटायन, मतलब N2 प्लस भी निकल जाता है, Cl माइनस भी, और ये बन जाता है बच्चों. दिस इज हाईली 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 अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल होती है. ठीक है, तो हमको टेम्परेचर एकदम लो मेंटेन करके रखना है डाइजोनियम आयन के लिए. डाइजोनियम आयन जब मेरी बन गई एनिलीन से, जब हमने डाइजोनियम आयन बना ली NaNO2HCl के साथ, इतना कम टेम्परेचर पे,
अब ये डाइजोनियम आयन बन गए, इसको तुम जिसके साथ ट्रीट करोगे वो प्रोडक्ट बन जाएगा। Tu2Cl2 के साथ ट्रीट किया, साइनोमेयर रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये साइनोबेंजीन जिसको हम बेंजोनाइट्राइल कहते हैं, तो ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। ये जो है HBF4 के साथ जब भी हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है और इस रिएक्शन का नाम है Bals-Scheimans reaction, ठीक है। और लास्ट है अपना आइडोबेंजीन वाला। ये समझ में आया कितना मास्टर रिएक्शन है, इसको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई जगह आगे काम आएगा, ठीक है, कन्वर्जन में काम आ जाता है। जैसे मैं एक ऐसी सिंपल सी कन्वर्जन दू, हमने आपको बोला कि CHCl3 है, ठीक है, इसको सिल्वर पाउडर के साथ ट्रीट कर दो तो कुछ बन जाएगा A, और फिर उसको रेड हॉट ट्यूब लिखा होता है, आयरन की लोहे की ट्यूब, तो बन गया B, और उसके बाद CH3Cl कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस तो बन जाएगा C। ऐसे आपसे पूछ लेते हैं रिएक्शन, ए बताओ, बी बताओ, सी बताओ। जब भी ये दिखे ना, ऑल्दो आपको नहीं आता है ये हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक है, लेकिन CHCl है ना, इसको जब भी Ag के साथ ट्रीट किया, सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लो, सिल्वर इसके साथ रिएक्ट करके AgCl मिलकर अलग हो जाएगा, 6AgCl, और CHCH मिलकर क्या बन जाता है, इथाइन। इसको कहते हैं इथाइन या एसिटाइलीन, ये वाली चीज तो याद है ना बच्चों? Yes, ma'am. है ना, इथाइन, और इथाइन से, और जहां पर भी ना रेड हॉट ट्यूब लिखाओ, सब जगह सिर्फ इधर ही लिखा है, रेड हॉट ट्यूब पर कहीं नहीं लिखा है, इसका ये लिखाओ तो CH CCH से बेंजीन बना दोगे, और फिर बेंजीन से ये तो आपको बनाना आता ही है, ठीक है। आगे बढ़ूं मैम, बेंजीन कैसे बनता है इसे बच्चा? उसका ना हमारा पूरा डिटेल में रिएक्शन नहीं जाना, उसमें सिंपली इतना ही होता है कि CH CCH एक ऐसे लिख लो, एक CH CCH और एक हो जाएगा इधर CH CCH, ऐसे करके तीन इथाइन्स लिख लेते हैं हम। ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ो, दूसरे पे से तोड़ देती हूँ, ये वाला एक इधर का पाई बॉन्ड तोड़ा, एक इधर का तोड़ा, एक इधर का तोड़ा, इसका एक ये हुआ, और यहाँ पर इसका एक इधर एक, और ये टूटा तो इधर एक, तो ये आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे करके अपना बेंजीन बन जाता है। समझ में आया, इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से बनाओ, चलो खैर, अपना वो इम्पोर्टेंट नहीं था, बट ये बस समझाने के लिए था कि ऐसे करके आपको रिएक्शंस आगे दे रखे हो सकते हैं, तो ABC करके इस तरह पार्ट्स में आते हैं JEE और NEET में, ठीक है। और NCERT तो डायरेक्टली वो कन्वर्जन ही दे देगी कि इथाइन से बेंजीन बनाओ, इथाइन से कुछ वो बनाओ, तो वो आपको सारे रिएक्शंस डिटेल में आने चाहिए। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इज फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से भी हम, आई डोंट नो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3, 4, 5 कौन से नंबर पे है, एल्कीन से भी हम एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। एल्कीन्स जैसे कि ये ले लो, इस पर आप HCl का रिएक्शन करवाओ। अभी इधर इथीन है, इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है इधर, है ना, दो दो बॉन्ड्स इधर बीच में। तो होगा क्या, ये HCl अपना एसिड है, HCl, HBr कुछ भी ले सकते हो आप, HCl अपना एसिड है, तो ये देगा सबसे पहले H+, ठीक है। जो H+ होगा वो इसको क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पर आप कैसे भी तोड़ सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ सेम डिग्री ऑफ कार्बन का आयन बन रहा है। लेट्स से मैंने ऐसे करके तोड़ लिया बॉन्ड को, तो CH2 ऐसे करके तोड़ना, तो मेरे को, मैं समझाती हूँ, देखो
ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है। एक तरीका ऑफ डायरेक्टली राइटिंग इट इज, अब क्या करो, ये H प्लस है ना, एक कार्बन को H दे दो, एक को प्लस दे दो, CH3 CH2 प्लस। एक तरीका तो ये लिखने का है डायरेक्टली, लेकिन एक्चुअली मैंने इससे ऐसा कैसे लिखा, क्या किया मैंने, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, अभी यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है और यहाँ पर एक प्रोटॉन घूम रहा है, प्रोटॉन को दिखा जो H प्लस, HCl का जो H प्लस है प्रोटॉन, प्रोटॉन को दिखा ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा, उसने कहा अरे भाई यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, तो प्रोटॉन इसके पास आने लगा पाई बॉन्ड के पास, तो उस समय आप क्या करो, ऐसे करके तोड़ लो बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होता है उसको तोड़ सकते हो, तो आपने क्या बना लिया, मन ही मन में बनाना है वाली चीज, सी एच टू माइनस, मतलब इस वाले कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेना, एक अपना भी और एक इसका भी, अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक्स्ट्रा आ गया सी एच टू माइनस, और सी एच टू प्लस, अब ये प्रोटॉन लेकर आओ, जो प्रोटॉन आएगा वो प्लस के पास नहीं जाएगा, वो तो इधर इसके पास जाएगा, इसके पास माइनस मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, एक अपना और एक एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो सी एच थ्री सी एच टू प्लस, तो ये हमने सी एच थ्री सी एच टू प्लस बनाया। ये आपने मन ही मन में करना है, कॉपी में मत लिख देना वहां पर, ठीक है, मतलब एग्जाम में मत लिख देना, ये डायरेक्टली आप ऐसे कर लो, पाई बॉन्ड तोड़ो, एक को एच दिया एक को प्लस दिया, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन बन गया, इधर भी 1 डिग्री है, कोई शिफ्टिंग वगैरह पॉसिबल तो है नहीं, तो अब इसके अंदर ये HCl का पहले आप H प्लस ऐड कर चुके हो, अब Cl माइनस ऐड कर दो, Cl माइनस ऐड करोगे तो CH2Cl बन जाएगा, जिसको बोलता है क्लोरोइथेन, हमारा एल्कीन से एल्काइल हलाइड बन गया। ओके, समझ में आया बच्चों? यस मैम। अच्छा, अब इसके अंदर और समझा दीजिए मैम। हाँ मैम, एक बार और। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि इसके अंदर एल्कीन है, HCl है, HCl हम लोग HCl लिख सकते हैं, HBr लिख सकते हैं, ठीक है, जनरली HCl HBr ही लिखते हैं, HI जनरली नहीं लिखते क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है, यहाँ पर फोकस करना है अभी। आपने HCl है तो HCl पहले एसिड है, पहले वो H प्लस देगा, ठीक है, और वैसे भी H प्लस ही आके अटैक करेगा ना, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो Cl माइनस तो पहले नहीं आएगा, पहले आप H प्लस लेकर आओ, H प्लस लेकर आओगे तो एक कार्बन को H दे दो, दूसरे वाले को प्लस दे दो, ठीक है, तो आपने ऐसे करके कर दिया, सिंपली इतना। अभी 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकटायन बाद में बताऊंगी, वो बताऊंगी मैं भी, ठीक है, CH2 प्लस बन गया। अब इसके अंदर यहां तक समझ में आया बेटा, एक को H दिया एक को प्लस दिया, ये कर लेगा, yes, है ना? Yes, अब इसके बाद Cl माइनस जोड़ दे, तो जहां पर Cl माइनस किसके पास जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, नेगेटिवली चार्ज है ना, तो पॉजिटिव के पास ही जाएगा, तो CH3CH2Cl, ओके? Yes, ma'am. अच्छा, अब इसके अंदर जो आपको याद रखना है, फॉर्मेशन हो रही है ऑफ कार्बोकटायन की, कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो रही है, और अगर कार्बोकटायन फॉर्म हो रहा है देन रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। अगर आपको लगता है कि रीअरेंज करने से स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो बना दो, रीअरेंज कर देख लेना, ठीक है। अब मैं रीअरेंजमेंट वाले एग्जांपल दूं और इसी के साथ फिर मार्कोनिकोव रूल भी बताऊंगी, ओके? यस मैम। ये लिख लिया सबने? यस मैम। चल अब हम फिर इसको हटा रही हूं मैं, ओके, अनदर वो लिखते हैं, Another example number 2, CH3CH double bond CH2, HCl add कर आपको product बताना है क्या बनेगा, HCl या HBr कुछ भी हम add कर सकते हैं। अब मैं दोनों rule लगा सकते हैं, Markovnikov और anti Markovnikov? नहीं, इसके अंदर हम Markovnikov rule ही लगाएंगे, anti Markovnikov सिर्फ peroxide में लगाते हैं, लेकिन I would prefer, एटलीस्ट जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, तुम मार्कोनिकोव रूल से आंसर ना निकालो, मैकेनिज्म से निकालो,
क्योंकि मार्कोनिक ऑफ रूल आपको भी पता है कि हर सब जगह अप्लाई नहीं होता है, है ना? क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, चल टू क्लोरोप्रोपेन, यस मैम, ओके वेरी गुड। चलो सबसे पहले इसमें एच प्लस एड करना है। अब बच्चों देखो आप कैसे बॉन्ड को तोड़ोगे, आप एक तो ये भी बना सकते हो थ्री, या फिर आप ये भी बना सकते हो, दोनों बना सकते हो आप। आप कौन सा वाला बनाओगे? हर स्टेप पे हमको देखना है वो वाला स्टेप करेंगे जहां पर स्टेबिलिटी हो। अगर वहां पे स्टेबिलिटी ना अटेन हो रही हो तो बोले को नहीं करेंगे। हर स्टेप पे देखो जहां पर ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाओ। इन दोनों में से बच्चों बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ए, पहला, ए ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? टू डिग्री, टू डिग्री है मैम। कार्बो कटा है ना, ये वन डिग्री का, तो इसको मत बनाओ आप, या इसको माइनर में करके लिख देना। और जनरली आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं मेजर प्रोडक्ट से ही मतलब होता है, माइनर वाला नहीं पूछते, ठीक है? तो ये वाला बन गया। अब इसके अंदर ये टू डिग्री है, इसके अंदर सीएल माइनस एड करके टू क्लोरो प्रोपेन बन गया। तो मैं यहाँ पे ना डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखती हूँ, समझ में आया? यस मैम। जल्दी से नोट करो, फिर मैं मार्कोनिक ऑफ रूल की स्टेटमेंट लिखती हूँ और वो भी समझाती हूँ कि डायरेक्टली भी आप आंसर निकाल सकते थे मार्कोनिक ऑफ रूल से। कर दिए मैम। नीचे वाला मिटा, ये वाला मिटा रही मैं, है ना? जब भी आपको एल्कीन के अंदर ऐसे HCl कुछ भी ऐसा ऐड करना हो ना, H plus OH minus कुछ भी ऐड करना हो, तो इसके अंदर हम मार्कोनिक ऑफ रूल अप्लाई कर सकते हैं। मार्कोनिकोव ने क्या कहा? मार्कोनिकोव जो साइंटिस्ट थे वो बोले कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, मैं बताती हूँ हिंदी में, हाँ एडेंडम का मतलब होता है हम जो ऐड कर रहे हैं ना, HCl ऐड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एडेंडम, जिस चीज को ऐड कर रहे हैं, तो उसका नेगेटिव पार्ट। HCl में H प्लस है, Cl माइनस है, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम यानी कि Cl माइनस, ठीक है, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम ऐड टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है? अभी ये देखो, ये वाले जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो उनको देखना। एक बार ही मुझसे बच्चों ने बोला यहाँ पर कहीं और होगा किस पे कम हाइड्रोजन होगे उस पे ऐड कर रहे हो, तो नहीं भैया, जिस पे ना डबल बॉन्ड हो उसी को देखना, उन्हीं दोनों कार्बन को देखना। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है। अब नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम यानी कि सीएल माइनस टू दैट कार्बन, उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन पर कम हाइड्रोजन हो। इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर दो है, तो इस वाले पर Cl जोड़ोगे और दूसरे वाले पर H जोड़ोगे, ठीक है? आया समझ में सबको मार्कोनिक ऑफ रूल? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम एड्स टू द कार्बन कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है? ओके, अब इसी के ये जल्दी से रूल लिख लो बच्चों, इसको मार्कोनिक ऑफ रूल कहते हैं कि HCl, HBr, H2O सब पे एप्लीकेबल है। ओके, एक क्वेश्चन दे दूं मार्कोनिक ऑफ रूल के डायरेक्ट एप्लीकेशन पे? यस, चलो जल्दी से करते हैं। इसी में ब्रिंगिंग स्पंज नहीं बताने वाली हूं, वो मुझे पता है बच्चों को नहीं आता होता है, तो फिर वो तुम लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि कुछ होंगे यहाँ पर जो पढ़कर बैठे होंगे वाली चीजें, तो कह रहे हम तो बोर हो रहे हैं। HBr जल्दी से प्रोडक्ट बना दो, आयोपिक नेम बताना। क्या किया आपने? नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम Br- एड्स टू दैट कार्बन जिसपे कम हाइड्रोजन हो, तो ठीक है, ऐसे देखने में लगता है कि मार्कोनिक ऑफ रूल बहुत ही आसान है, हमेशा अप्लाई करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट काफी सारे केसेस में एंड ऑनेस्टली जो अपने एग्जाम में आएगा वो एक्सेप्शन पर ही आएगा क्वेश्चन, कभी भी ऐसा तो होगा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाए, है ना?
तो काफी सारे क्वेश्चन में मार्कोनिकोव रूल फेल कर जाता है, ऐसा क्यों? अभी उसका एग्जांपल देखो. हमारे पास बच्चों ये वाला ठीक है, इसमें आपने HCl ऐड किया तब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा. एक बार ही दिमाग में आता है कि हम लोग ऐसा करते हैं मार्कोनिकोव रूल अप्लाई कर देते हैं, और मार्कोनिकोव रूल आपने अप्लाई किया तो आप बोलोगे कि प्रोडक्ट हम बना देते हैं, ये तो एज इट इज इंटैक्ट रखा और यहाँ पर CH पे Cl और CH, ये जो नेगेटिव पार्ट है एडेंडम का Cl माइनस उसको ऐड कर दो उस वाले कार्बन पे जिसपे कम हाइड्रोजन हो, तो इस पे आपने Cl ऐड कर दिया, इस पर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, है कि नहीं? बट ये प्रोडक्ट हो गया गलत. गलत. Yes, very good, गलत हो गया. क्योंकि क्या करना है हमने, मैंने क्या कहा था? कार्बोकैटायन. हाँ, मैकेनिज्म से चलो, मैकेनिज्म से कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा. मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब जहां पर मैकेनिज्म करवा रही हूँ वहां पर मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है, जहां नहीं इम्पोर्टेंट है वहां पर डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं. यस मैम. तो यहाँ पर सबसे पहले तो बना, देखो यहाँ पर बनाओगे कार्बोकैटायन की, यहाँ बनाओगे इस पे बनाओगे क्योंकि 2 डिग्री बन रहा है, ये वाले पे तो 1 डिग्री वाला बनेगा, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर सी एच सी. क्या सबको ये वाला स्टेप समझ में आया कि कोई डाउट है? नो मैम. सबको क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है ना, हम यहाँ पर इधर प्लस नहीं लगाया, यहाँ पर प्लस यहाँ हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ प्लस लगाती तो 1 डिग्री वाला बनता, इधर प्लस लगाने पे 2 डिग्री वाला बन रहा है. अब ये जो है ना 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन है, और इस 2 डिग्री वाले कार्बोकैटायन के अंदर अगर एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए एच माइनस तो 3 डिग्री वाला बन जाएगा. हाइड्राइड शिफ्ट करवाई आपने तो प्रोडक्ट हमारा बन गया ठीक है. और अब ये जो बना, अब इसमें Cl माइनस जोड़कर आप ये कर दोगे, देखो क्लियरली ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है. यस मैम. तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन मार्कोनिकोव रूल, इसीलिए हमारा सब जगह एप्लीकेबल नहीं है. तो मैकेनिज्म से करोगे तो हमेशा आंसर आप लोग का करेक्ट आएगा. अब आगे बढ़ू. यस मैम. तो मार्कोनिकोव रूल सबको समझ में आ गया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम ब्लर हो गया. एक सेकंड, मैं सामने खड़ी हो रही हूँ, ठीक हो जाएगा. अब आ गया. चलो अभी कोशिश करो इसके अंदर, और इसके अंदर मैं रिंग एक्सपैंड करना भी सिखा रही हूँ. रिंग एक्सपेंशन से होगा. देखो यहाँ पर मैं इधर लिख देती हूँ, रिंग जो होती है ना, जैसे तो साइक्लोपेंटेन वाली रिंग है ना, रिंग क्या स्टेबिलिटी को ऑर्डर होता है. 6-membered रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, फिर 5-membered रिंग, फिर 7, फिर 4, फिर 3. रिंग का स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसको याद कैसे करेंगे? 11-11. 6 वाला तो याद ही रहेगा बेंजीन. 6 वाले सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 6-5-11. उसके बाद 7 पे आ जाओ, 7-4-11. 7 में 4 ऐड करोगे 11. 6-5-7-4. बहुत स्टेबल होती है रिंग्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर. तो इसमें हमने HCl ऐड किया ठीक है. अब यहाँ हुआ क्या, देखो एक तो आप डायरेक्टली मार्कोनिकोव रूल लगाने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे कि ये वाला है CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक तरीका तो ये है अगर हम डायरेक्टली मार्कोनिकोव रूल लगाएं तो इधर वाले पे लगा दोगे आप Cl और उधर लगा दोगे CH3, जो कि डेफिनेटली गलत है ठीक है. अब करेक्टली सुनो, करेक्टली क्या बनेगा, सबसे पहले तो H प्लस ऐड करोगे आप. H प्लस ऐड करने पर ऐसे है, और CH प्लस, और ये चीज समझ में आई सबको?
यस मैम। अब देखो तो ये फाइव मेंबर्ड रिंग के बाहर फाइव मेंबर्ड रिंग के एडजेसेंट वाले कार्बन पे प्लस है, ठीक है। एक तरीका तो ये है, आप बोलोगे कि मैम ऐसा करते हैं ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला वैसे करके लिख देते हैं, करते हैं ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट कराते हैं और टीम टर्शियरी कार्बोकैटायन बना देते हैं, वो बहुत सिंपल हो जाएगा, 2 डिग्री है ये 3 डिग्री बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको ना रिंग एक्सपेंशन का मौका मिल रहा है, अगर हमको कभी भी रिंग एक्सपेंशन का मौका मिल रहा है तो हम रिंग एक्सपेंशन ज्यादा स्टेबल होती है 6 मेंबर्ड वाली रिंग। तो आप क्या करोगे, आप ऐसा करो इसके साथ वाला जो कार्बन है ना उसको दो नंबर 1 और इसको दो नंबर 2। उसके साथ साथ ये वाला जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को आप तोड़ दो, और तोड़ोगे कैसे, इस वाले को दो प्लस चार्ज, इस वाले दो माइनस चार्ज। आया समझ में? मैंने क्या किया, इनको 1-2 नंबरिंग करी अपनी कन्वीनियंस के लिए, फिर जस्ट साथ वाले को दिया प्लस चार्ज, इसके साथ वाले को दिया माइनस चार्ज। ये माइनस के साथ जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको ऐसे करके जोड़ना है, 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है, सिक्स मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, एक पे प्लस है और दूसरे वाले पर CH। आया समझ में मैंने क्या किया, ये यस मैम, एक सेकेंड स्क्रीन हैंग हो गई बच्चों, मैंने क्या किया, उसके साथ वाले कार्बन को 1 नंबर दिया, इस वाले को 2 नंबर दिया, इस वाले को प्लस, इस वाले को माइनस, और इस माइनस प्लस को जोड़ दिया, इस माइनस प्लस को जोड़ दिया, तो 6 मेंबर बन जाएगी, एक पर प्लस है दूसरे वाले पे मिथाइल, तो एक पे प्लस दूसरे वाले पे मिथाइल बना दिया, डन। यहां तक समझ में आया, रिंग कर गई हमारी एक्सपैंड, 5 से 6 चली गई, क्यों कर चली गई, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिंग्स होता है 6 > 5 > 7 > 4 > 8, तो 5 से 6 पे जा रही है, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, तो हमने रिंग एक्सपैंड कर दी। अब ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री 3 डिग्री। तो अब हम कर देंगे हाइड्राइड शेप, ये वाला जो कार्बन है देखो जिसपे मेरी उंगली है 3 डिग्री वाला कार्बन, उसका एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक मिथाइल के साथ है, चौथे बॉन्ड पे इसका मतलब हाइड्रोजन होगा, है कि नहीं, इसे करके देखना पड़ेगा मन की आंखों से, इधर कार्बन है, इधर प्लस, इधर CH2, इधर CH3, तो इसके 3 बॉन्ड्स है, यानी चौथे पे हाइड्रोजन होगा, तो कर दो हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट करने पर इधर CH3 आ गया और यहां आ गया प्लस, अब इस प्लस पर Cl- आप जोड़ दोगे, और इस प्लस पे जब भी आप Cl- जोड़ोगे तो यहां पर बन जाएगा वन क्लोरो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आया समझ में सबको? यस मैम, यस मैम। जब भी हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी तो रिंग एक्सपेंशन के ऊपर और क्वेश्चंस करवा दूंगी, रिंग एक्सपेंशन पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होती है उसके भी क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ पर इतना ही बता रही हूँ जिससे कि अपना सिलेबस चैप्टर अधिक कवर हो जाए, ठीक है। सब लोग नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं।
कल की क्लास में ऑप्टिकल केमिस्ट्री शुरू कर रही हूँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसके अंदर आप लोगों ने आर एस नॉमेनक्लेचर कहीं पर सुना होगा, एनांशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर सुना होगा। इस चीज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो जो भी आप लोग के फ्रेंड्स हो उनको बोल देना कि ऑप्टिकल केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो फिर तुम लोग क्लास अटेंड कर लो, ठीक है? एस एंड एस एन टू ऑप्टिकल केमिस्ट्री। आगे बढ़ो बच्चों, मैं नेक्स्ट मेथड पे चल रही हूँ। एल्कीन्स के अंदर हमने HX ऐड किया था, HCl, HBr। नेक्स्ट अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम लोग एल्कीन है उसमें X2 ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl हो गया थोड़ा सा, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तब हमारे पास ये X कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन, तो हमारा CH2 पे अगर Br लिया है तो इसको हम बोलते हैं एंटी एडिशन। मतलब एक ब्रोमीन ऊपर की तरफ ऐड होता है, एक ब्रोमीन नीचे की तरफ। अगर ब्रोमीन लिया है तो क्लोरीन लिया है तो एक क्लोरीन उधर की साइड, एक क्लोरीन इधर की साइड, ठीक है? यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता। इंटरमीडिएट मतलब जैसे कि कार्बोकैटायन, कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता। इंस्टेड यहां पर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है, और वो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको कहते हैं साइक्लिक हेलोनियम। हेलोनियम मतलब हैलोजन से बना है, ब्रोमीन है तो साइक्लिक ब्रोमोनियम, या फिर क्लोरीन है तो क्लोरोनियम, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म होती है, ठीक है? साइक्लिक हेलोनियम आयन फॉर्म होती है। क्विकली क्विकली यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट मैं रिएक्शन मैकेनिज्म बता रही हूँ फटाफट से। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हम लोग ये फटाफट से पॉइंट्स लिखो, फिर इसका मैकेनिज्म अलग से बता देती हूँ। और इसको एंटी एडिशन बोलते हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड होते हैं। लिखा ये वाले चारों पॉइंट्स लिखे? Yes, ma'am. चलो मैं ये पॉइंट्स मिटा रही हूँ। Yes, ma'am. हुआ क्या, यहाँ पर हमारा ब्रोमीन मॉलिक्यूल मैंने इथीन के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये जो पाई बॉन्ड है ना ये इस पर अटैक करेगा और ये Br- निकल जाएगा। तो Br- तो निकल गया, बट होगा क्या, ये CH2 है, पाई बॉन्ड टूटा और वो ना इधर ब्रोमीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन। हुआ कैसे, Br पे प्लस चार्ज आया कैसे? देखो एक ये Br जो है ना, ये वाला Br जो निकला है, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले गया, इसलिए Br-। अब ये है Br+, ये जो Br+ है ये पाई बॉन्ड से बहुत ही अट्रैक्ट हुआ, पाई बॉन्ड में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स टूटे, एक CH2 ने उस Br के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब यहां पर Br तो बॉन्ड फॉर्म हो गया, पर ब्रोमीन के पास, अगर आपको याद हो ब्रोमीन हैलोजन है, वैलेंस शेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो 3 लोन पेयर भी तो होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो लेकर चला गया है, ये इधर बॉन्ड फॉर्म हो गया। जो 3 लोन पेयर है उसमें से ब्रोमीन ने एक लोन पेयर को यूज कर लिया बॉन्ड फॉर्म करने में इस CH2 के साथ, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो प्लस चार्ज, ठीक है? तो ये बन गया साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब नीचे ये ऐसे करके बना हुआ है। अब ये जो Br- निकल गया था ना, ये Br- ने बोला मैं इधर अटैक करूंगा,
तो ये बी आर माइनस ने इसके ऊपर अटैक किया, इसने बोला अरे मैंने अपना लोन पेयर दिया था, मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ तो मैं अपना लेकर अलग हो जाता हूँ, तो इसलिए सी एच टू पे बी आर और सी एच टू पे आर, इसीलिए एंटी एडिशन, एक ऊपर एक नीचे। क्लियर? यस मैम। ओके, सो अगर आपसे पूछे ब्रोमीन CCl4 में एल्कीन पे हम नोट डाउन कर लो, फिर इसके अंदर मेरे को एक टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन बताना है। किसको नींद आ रही, कौन इतनी उबासियां ले रहा है? निशांत। निशांत इतनी नींद आ रही है ना? सागर ने फटाक से बोला है, हम दोनों के माइक ऑन है, मैं बोल दूं पहले निशांत का नाम, वरना मां मुझे बोलेगी। चलो सब लोग ने लिखा बच्चों, बहुत डिटेल के अंदर, नीट वाले बच्चों को इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जेई मेंस के लिए भी जरूरी नहीं है इतना डिटेल में जाना, एडवांस वाले बच्चों को डिटेल में जाना होगा जो लोग एडवांस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है? यस मैम। आगे बढ़ रही हूँ मैं, ऐसे ही सीधा लिख रही हूँ, अगर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 कोई भी एल्कीन है, ठीक है, उसको आप ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आप ऐसे करके बना सकते हो 1,2-dibromo-propane, और ये कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। जो ब्रोमीन, ये ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है ना, तो जब भी वो इसके साथ ट्रीट करते हैं तो इधर कलरलेस हो जाता है। अगर ब्रोमीन गैस का, जो कि रेडिश ब्राउन कलर की थी गैस, वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ट्रीट करने के बाद कलरलेस हो गई, मतलब उसका रेडिश ब्राउन कलर खत्म हो गया, तो इसका मतलब जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इधर डबल बॉन्ड एल्कीन बता रही हूँ तो डबल बॉन्ड, यही वाली चीज हम अल्काइन के साथ भी कर सकते हैं। वो ब्रोमीन ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ऐसे कर दोगे, दो ब्रोमीन ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर करता है, तो ये भी यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट फॉर सैचुरेशन। ओके? यस मैम। आगे बढ़ते हैं। यस मैम। नेक्स्ट एन अदर मेथड इज, अभी तो ना मैंने क्या किया था, ब्रोमीन को लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन रिएक्टिव है, वो अपना रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैंने ब्रोमीन वाटर ले लिया, मतलब ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब क्या होगा, तब ब्रोमीन है और वाटर, ब्रोमीन को ऐसे करके तोड़ लो मन ही मन में, बी आर प्लस बी आर माइनस, और वाटर को भी तोड़ लो एच प्लस ओ एच माइनस, ये एच बी आर तो जोड़कर निकाल दो एच बी आर, बचा क्या बी आर प्लस और ओ एच माइनस, बी आर प्लस और ओ एच माइनस को आप अटैक करवाओगे एल्कीन पर। ठीक है? अब ये पहले बी आर प्लस अटैक करेगा, फिर OH माइनस अटैक करेगा, है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। पाई बॉन्ड है तो पहले तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो पहले इस पर बी आर प्लस का अटैक करवा दो, बी आर प्लस का अटैक करवाओगे तो फिर ऐसे करके साइक्लिक हेलोनियम आयन बना लो। अब OH माइनस अटैक करवाओगे, अब सुनो OH माइनस अटैक अब कहां से करवाओगे, इस पर करवाओगे कि इस पर करवाओगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैम इससे OH जोड़ू और इससे BR, क्या इससे OH जोड़ू और इससे BR, तो आप ऐसे करके सोचो, ऐसा करते पहले यहाँ पर मैं OH माइनस, अब OH माइनस आ रहा है, वो इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, वो OH माइनस आएगा इधर वाले पे आएगा, क्यों? क्योंकि लेट्स अज्यूम ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ा, अगर ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ा
तो एक तरफ 3CH+CH2Br और अगर हमने ऐसे करके तोड़ा होता कि ब्रोमीन बीच वाले कार्बन को दिया होता तो हमारा बन रहा होता ये वाला है कि नहीं, समझ में आया रीजन? yes, ये वाला बनना ज्यादा स्टेबल है ना, तो OH yes, को इस पे अटैक करोगे तो OH- इस पे अटैक किया तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता है वो ये वाला बन जाता है, ठीक है, और वो गलत हो जाता है, उसको मैं बता दूं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दिस प्लस ठीक है, तो OH- यहाँ से अटैक कर रहा है, ठीक है। आपको एग्जाम में देख देख कर खुद से कोशिश कर करके करना होगा, इसका कोई वन रूल नहीं है, जैसे मार्कोनिको का कोई सिंगल रूल नहीं है ना, ऐसे इसके अंदर भी कोई सिंगल रूल नहीं है, हर जगह आपको लॉजिक अप्लाई कर करके सॉल्व करना होगा। आगे बढ़े जाए? यस मैम, यस मैम, अच्छा अब नेक्स्ट हमने, अब देखो मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, बीच में लिखती हूँ CH3CH double bond CH2, इधर HCl HBr, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इधर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कभी भी आपको देखो ये बच्चों यहाँ पर तो मैंने बहुत सिंपल बनाया कि यहाँ पर ना हम सिंपली मार्कोनिकोव रूल से ऐड कर सकते हैं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, यही वाला एग्जांपल हमने 10 मिनट पहले किया भी था, ठीक है। आप क्या इसमें HCl दिखा तो आप बोलोगे एल्कीन है उसमें HCl हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या करोगे नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, HCl ऐड कर रहे हैं नेगेटिव है उसका Cl, उसको ऐड कर दो तो उस कार्बन पर जिस पर कम हाइड्रोजन, ओके CH3CH CN, लेकिन नहीं सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो मार्कोनिकोव निकाल लेना या फिर आप मैकेनिज्म से कर लेना, यही रिजल्ट आएगा। HBr के केस में ये बना दोगे आप, है ना। अब हम अगर पेरोक्साइड लिखा होता है विद HBr तब हमारा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करते हैं, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनता है, मतलब यहाँ बनेगा ये वाला, उधर ब्रोमीन बीच पे आ रहा था और इधर वाले पे एच, यहाँ पर ज्यादा वाले इधर वाले पे एच, इसको हम एंटी मार्कोनिकोव रूल कहते हैं, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, इसको खराश इफेक्ट कहते हैं। खराश इफेक्ट साइंटिस्ट का नाम है, हमारा हिंदी वाला खराश नहीं है ये। पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोव रूल, पर जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ना ये आप केवल HBr के लिए ही लगाओगे, अगर आपको HCl विद पेरोक्साइड देखे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हम HCl विद पेरोक्साइड है तो वो वैसे ही वाला मार्कोनिकोव रूल लगाकर ही प्रोडक्ट लगाओगे आप, सिंपल मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें भी मार्कोनिकोव वाला, इसमें भी मार्कोनिकोव वाला, इधर भी मार्कोनिकोव वाला, इधर में एंटी मार्कोनिकोव। अब ये चीज समझ में आई, पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट सिर्फ HBr में लगाने इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब जो ये वाले है ना, आप मार्कोनिकोव रूल से भी नहीं, कि आई वुड रिक्वेस्ट आप सब लोग मैकेनिज्म से ही करो, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जैसे हमने अभी रिंग एक्सपेंशन का देखा, या हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट हो सकती है, तो आप द बेस्ट इज मैकेनिज्म से करो। लेकिन अगर आपको HBr इन द पेरोक्साइड दिख गया तो कुछ मैकेनिज्म मत करो, कुछ मत करो,
सिंपली एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करो और आंसर निकाल दो. ओके, सिंपली एंटी मार्कोनिकोव अप्लाई करना और आंसर निकाल देना. सबको क्लियर? यस मैम. करू? यस मैम. रिपीट कर दू? अच्छा, नो मैम, आ गया मैम. अरे एक लड़की ने बोला. यस, कौन है? करीना, समझ में आया बेटा? रिपीट करूं? मैम, नो मैम. ओके ओके, चल आगे बढ़ते हैं. सब लोग लिख रहे हो ना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन? हम लोगों ने फ्री रेडिकल हैलोजनेशन किया था पहले, फिर कौन सा किया था? बेंजीन के लिए नहीं, फ्री रेडिकल, हाँ, सबसे पहले हमने अल्कोहल्स के पढ़े थे सारे के सारे, ल्यूकास टेस्ट वगैरह वो सब कुछ कवर किए थे. पांच थे एनसीईआरटी के अंदर, पांच को लाइन से लिखे हुए हैं. उसके बाद हम लोग एल्केन से चले, फ्री रेडिकल वाला पढ़ा, फिर बेंजीन रिंग का पड़ा, आयरन की प्रेजेंस में या ल्यूमिस एसिड की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, और उसके बाद हम लोग ये एल्कीन्स के अंदर ऐड किए. एल्कीन्स के अंदर HBr HCl भी ऐड कर सकते हैं, एल्कीन के अंदर ब्रोमीन या क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 भी ऐड कर सकते हैं, एल्कीन के अंदर ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, एल्कीन के अंदर HCl HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड भी कर सकते हैं. इतने सारे हम लोग लाइन से कर चुके हैं. प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे आप सब, ठीक है? नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं नाइलिक सब्स्टिट्यूशन. फर्स्ट क्लास में मैंने समझाया था अलाइल पोजीशन क्या होती है. तो डबली बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ वाला कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन, उसको हम बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन या अलाइलिक कार्बन. अब देखो हुआ क्या, लेट्स से मैं करना चाह रही हूँ अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. अब देखो CH होगा ना मैम, क्या वो बीच में CH2 डबल बॉन्ड CH3 होगा ना मैम? अच्छा, एक एच एक्स्ट्रा लग गया, सॉरी मैम. बॉन्ड लाइन बना लो ना. नहीं नहीं, बॉन्ड लाइन नहीं, यही वाला बनाऊंगी मैम. फिर से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, जहां पर बॉन्ड लाइन की जरूरत होगी वहां वो बना लूंगी, ठीक है? फिर से CH2 लिख दिया. अरे सॉरी मैम, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना? हाँ, अरे पर तुम लोग उतना तो कर लेना ना, कार्बन की चार वैलेंसी लगा लेना, सिंपल, ठीक है? कहीं पर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा भी हुआ तो अपने आप मान जाना कि आपको गलत है, वरना बोल देना मैं ठीक कर दूंगी, ठीक है? अच्छा, ये अपनी अलाइलिक पोजीशन सबको समझ में आई बच्चों. अब अगर मैंने क्या किया, अगर मैं उसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करूं तब भी ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा. यहाँ पर CH2Br एंटी एडिशन कर दोगे आप लोग, है ना? मैं HBr के साथ ट्रीट करना चाहूं तब भी आप पाई बॉन्ड तोड़कर ऐसे कर दोगे. अब मेरी इच्छा ये है कि मेरी एडिशन ना हो, मुझे करनी है सब्स्टिट्यूशन. मतलब जो ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन मेरे को यहां पर चाहिए, ब्रोमीन आए, ये मैं चाहती हूँ कि पाई बॉन्ड अपना एज इट इज इंटैक्ट रहे, एकदम सही सलामत रहे, इसको ना छेड़ू मैं. तो यहां पर अगर मुझे ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन करनी है तो हम उसको बोलते हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? अब वो वाली चीज हम करेंगे कैसे, ये तो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ लिए, ठीक है? तो उसके ना कुछ रीएजेंट्स है, सिंपली हमको वो रीएजेंट्स याद करने. अगर हमको करनी है ब्रोमिनेशन तो नंबर ए, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऐड करें. याद है यही वाली ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एल्केन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से था, तो वहीं से आप लोग ऐसा मेमोरी में सेव कर लेना इस वाली चीज को. CH2 डबल बॉन्ड CH3 है और इसको हमने ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो अलाइलिक वाले पे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दोगे. ब्रोमिनेशन करी हमने, ठीक है? अलाइलिक पोजीशन पे हमको सब्स्टिट्यूशन करानी है, अलाइलिक पोजीशन पर, ठीक है? नेक्स्ट इज अनदर तरीका
एक तो है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और दूसरा है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। इसका मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ बेटा, ये इसका बस एनबीएस लिखा होगा एग्जाम में, तो एनबीएस दिख गया ना, तो एनबीएस अगर दिख गया तो आप सिंपली वो कर देना, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कर देना, ठीक है। ये एनबीएस का स्ट्रक्चर होता है और ऐसे करके लिखा होगा, ऐसे करके लिख रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको साथ अगर NBS लिखा हो तो आप सिंपली एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन लगा देना और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अपनी एलाइलिक वाली पोजीशन पर होती है, वो क्या रहा है, केस वन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड N ब्रोमो सक्सिनामाइड, दोनों ही केसेस में फ्री रेडिकल ऑफ ब्रोमीन प्रोड्यूस होता है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। और वो जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ ना, वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल इधर या इधर, मतलब इस वाले पे CH3 वाले जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उस पर अटैक करता है, ठीक है, वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया, ब्रोमिनेशन अगर हमको करनी हो तो दो तरीके हैं, एक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको डायरेक्टली आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ, याद करने का तरीका इज ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सिंपली एल्केन का जो सबसे पहला वाला था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन, जिसके अंदर मैंने कहा था कि एल्केन लिया और उसके अंदर हमने क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी करना है वो डब्बे के अंदर बंद कर बाहर धूप में रख दिया, तो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, वो वाली चीज। तो ये दिखा तब भी आप sp3 वाले कार्बन एल्केन के ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे लेकिन एलाइलिक पोजिशन पे, ये याद रखना है। और दूसरा इज एनबीएस, एनबीएस बहुत कॉमन है, बहुत मतलब एक्सटेंसिवली यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एनबीएस दिखा, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ठीक है, तब भी आप जो है ये वाला बना दोगे, ठीक है। सक्सिनिक एसिड से बनता है एक्चुअली, ये है ना एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, ये सक्सिनिक एसिड से बना होता है, सक्सिनिक एसिड होता है ऐसे, COOH CH2 CH2 COOH, ये होता है सक्सिनिक एसिड, ये जो सक्सिनिमाइड है। तो यहाँ पर इसका एक OH और एक H निकाल दो और उसके बाद ये O हटाकर उसकी जगह यहाँ पर नाइट्रोजन लगता है और फिर ब्रोमीन लगता है, ठीक है। ये सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला होता है, सक्सिनिक एसिड से एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड बनाते हैं और ये एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड ना ब्रोमीन का फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, वो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल इसके ऊपर जाकर अटैक करता है और यहाँ पर ये होता है, ठीक है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ब्रोमीन के लिए। क्लियर, सब लोग ने लिख लिया? यस मैम। चलो अब हम चलते हैं क्लोरिनेशन पे, जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो जिसने भी बुरा नहीं लिखा। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं क्लोरीनेशन के लिए एलाइलिक पोजीशन पर। तो उसमें भी बहुत आसान है, अगर हमारे पास उसमें तीन चीजें पॉसिबल है, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरीन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा रहता है टर्शियरी ब्यूटॉक्सी क्लोराइड, मतलब CH3, ये भी क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हो, इसके साथ ट्रीट करने पर, मतलब आप ये वाला मेथड तब यूज करोगे जब आपको डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना है। ये वाला हम अब सुनो, ये जो ब्रोमिनेशन था क्लोरिनेशन था मैंने अलाइलिक करके आपको समझाया है, ये वाले तो अलाइलिक पोजीशन है। ऐसे ही जब हम
बेंजीन के लिए बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं बेंजाइलिक पोजीशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अलाइलिक पोजीशन, क्लास फर्स्ट क्लासेस की फर्स्ट लेक्चर, और इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। तो बेंजीन के जो सी डबल बॉन्ड सी वाला जो कार्बन है उससे जस्ट कनेक्टेड वाला जो कार्बन है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक। तो ये जो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन वाले मेथड्स थे अलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूं अभी मैं? यस मैम। ओके मैम, तो अगर हमारे पास बेंजीन है बेंजीन को एक बारी तो मैं ऐसे ट्रीट कर रही हूँ, इधर ये कर देती हूँ, ठीक है, और दूसरी बारी मैंने क्लोरीनेशन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? इस वाले में क्या बनेगा, इस वाले में क्या बनेगा? पहले वाले में तो क्लोरो टोलुइन बन जाएगा। हाँ, और तो पैरा वाला बना दोगे आप बेटा, है ना, तो एक बारी इधर सीएल है ना और एक बारी इधर सीएल, और इस वाले में फिनाइल क्लोरो, फिनाइल क्लोरो है ना, वन क्लोरो वन फिनाइल मीथेन, इसका नाम वन पे क्लोरो वन पे फिनाइल मीथेन, ऐसे करते ओके। यस मैम, आगे बढ़ा जाए, ये सबको समझ में आ गया? यस मैम। अभी ना बेटा को पूरा याद रखना है, भूलना नहीं है ये सारी चीजें। लास्ट बचा है हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज में एक होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। दिस मेथड इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली टू प्रिपेयर आयोडाइड्स, एल्काइल आयोडाइड्स, मतलब आरआई, एल्काइल आयोडाइड्स प्रिपेयर करने के लिए। जैसे हमारे पास है CH3, CH3 ना लिख के RX लिख देती हूँ, कोई भी एल्काइल हैलाइड है, एक्स कैन बी ब्रोमीन और क्लोरीन, उसको हमने सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, CH3COCH3। आप एसीटोन ले सकते हो या फिर DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो हमारा हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है, मतलब R के साथ आप I जोड़ दोगे और NaX निकल जाता है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, आयोडाइड ना प्रिपेयर करने के लिए हम लोग ये वाला रिएक्शन करते हैं, इससे हमारा एल्काइल आयोडाइड होता है। एक्चुअली क्या है ना, ये एसीटोन या डाइमिथाइल सल्फोक्साइड ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है इनके अंदर। तो जब भी इसके अंदर हमने NaI डाला तो NaI के अंदर याद है फजान्स रूल, जिन्होंने अगर मेरी केमिकल बॉन्डिंग वाली क्लास अटेंड कर रही हो, स्मॉल कटायन लार्ज अनायन, ठीक है, यस मैम, कटायन सिंपल है, इधर आयोडीन है बड़ा, स्मॉल कटायन लार्ज अनायन, तो ये वाला कोवैलेंट कंपाउंड है, मतलब इधर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो ये इसमें मस्ट डिसॉल्व होता है एसीटोन के अंदर और ये इधर टैग कर लेता है और आर आई बन जाता है। जो ये NaX है, NaX कैन बी NaCl या NaBr, तो कटायन तो सेम है, अनायन बड़ा इधर अनायन छोटा, यानी कि यहाँ कोवैलेंट कैरेक्टर कम, यानी आयनिक ज्यादा, आयनिक ज्यादा, तो आयनिक कभी कोवैलेंट में सॉल्युबल होता नहीं है तो वो अलग से प्रेसिपिटेट आउट कर जाता है, तो हमको आर आई मिल जाता है। ओके, फिंकलस्टीन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिवली फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइड्स। यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, नो रीअरेंजमेंट, ट्रांजिशन स्टेट होगी
और उसके साथ डायरेक्टली आप आर आई, ठीक है, जहाँ ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है ना वो एस एन टू होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर मेरा नेक्स्ट टॉपिक एस एन वन एस एन टू ही है, तो यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था एक्स माइनस से आई माइनस सब्स्टिट्यूट हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये एस एन टू वाला होगा। जल्दी से नोट डाउन करो, फिंकलस्टीन रिएक्शन ये होता है स्पेशली आयोडाइड के लिए। नेक्स्ट हम लोग स्वार्थ रिएक्शन पढ़ेंगे, एस डब्ल्यू ए आर टी जेड, स्वार्थ रिएक्शन ये होता है एक्सक्लूसिवली फॉर फ्लोराइड्स। इसमें आप कोई भी आर एक्स हो, एक्स कैन बी सी एल या बी आर, एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड कोई भी हो, उसको आप AgF से ट्रीट कर सकते हो या फिर COF3 या फिर HgF2 और एक और होता है Hg2F2 और SbF3, Hg2F2 और SbF3, इन चारों में से किसी से भी ट्रीट कर सकते हो और आपको मिल जाएगा RF, ठीक है, और अपना कोई बाय प्रोडक्ट तो उस समय मतलब नहीं, पर एक हमारा RF बन जाता है। तो अगर हमको एल्काइल फ्लोराइड बनाने हो तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। क्लियर? यस मैम। एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड के लिए हम अलग से पढ़ते हैं, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए हमने सारे के सारे डिटेल में डिस्कस कर लिए। ओके, अब थोड़ा सा SN1 की आज मैं शुरुआत कर लूं, हमारे पास टाइम कम बचा है, 5 मिनट ही बचा है, मैं थोड़ी थोड़ी सा शुरुआत कर लिया जाए, चलेगा? नींद तो नहीं आ रही? थक गए तो क्लास ओवर कर दूं, अगर नहीं थके तो इंट्रोडक्शन दे मैम, दे दीजिए, ठीक है। चलो अब जो सबसे ड्रेडफुल टॉपिक है SN1 SN2, उसके अंदर होता क्या है, या फिर ऐसा करते ऑप्टिकल से ही बताते, पहले ऑप्टिकल केमिस्ट्री बताते, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल केमिस्ट्री होती क्या है, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास बच्चों नॉर्मल व्हाइट लाइट होती है, ठीक है, अपनी नॉर्मल व्हाइट लाइट जो होती है, जैसे ट्यूबलाइट की रोशनी है, आप सबके घर में ट्यूबलाइट जल रही है, तो उसकी रोशनी क्या, एक सिंगल जगह नहीं आती ना, ट्यूबलाइट की रोशनी सब जगह आ रही होती है ना, तो सब जगह जा रही, तो मैंने उसको ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने एक निकोल प्रिज्म ले ली, निकोल प्रिज्म के थ्रू हम लोगों ने व्हाइट लाइट को पास किया। खड़ी हूँ क्या, अभी तक ब्लर हो रखा है, ठीक हो गया? अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। तो ये हमारी व्हाइट लाइट थी, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे चल रहे तो सब जगह रोशनी आ रही है, ठीक है, सात डायरेक्शन में होती है व्हाइट लाइट, है ना, अपनी नॉर्मल लाइट जो है, उसको हमने निकोल प्रिज्म से पास किया। निकोल प्रिज्म ना कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, और बाकी चीजें होती है, एक कॉम्पोनेट उसका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो हमारी क्या होती है, वो जो व्हाइट लाइट जो थी ना, अब वो ऐसे करके एक ही डायरेक्शन में आ जाती है, उसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, इसका एग्जांपल है जैसे कि जो बच्चों की वो होती है लेजर गन जैसी, लेजर वाली, वो जैसे वो उससे रेड कलर की वो टॉर्च जैसी लाइन निकलते हैं, वो सिर्फ एक ही जगह निकलते हैं, उसकी सब जगह नहीं आती रोशनी, है ना, लेजर वाली जैसे एग्जांपल हो गया उसका। अभी अपनी PPL है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये लेजर लाइट जैसा एग्जांपल, इसको हमने किसी पॉल्यूशन, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपना, उसके थ्रू PPL को पास किया। अब तीन केसेस हो सकते हैं इस केस में, अगर मेरी, अब इसके थ्रू पास करने पे ना तीन केस आर पॉसिबल, या तो PPL जो थी केस नंबर वन रोटेट कर गई क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या फिर नथिंग हैपेंस, कुछ भी हो सकता है, या तो PPL रोटेट करेगी, मतलब ऐसे करके रोटेट कर गई ना, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, जैसे घड़ी का कांटा जिस डायरेक्शन में घूम रहा होता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर गई तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन
जो है हमारा वो ऑप्टिकली एक्टिव है, सॉल्यूशन अपना ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट करी हम बोलते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो जगह नहीं बची लिखने की, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है सॉल्यूशन, क्लॉकवाइज को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस माइनस है, प्लस या माइनस, प्लस प्लस ठीक है। अगर पीपीएल एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे थी ना और वो ऐसे करके जाए ना घड़ी के कांटे से उल्टी तरफ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करी तब भी सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है, सॉल्यूशन मतलब ए ने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली एक्टिव, और तब हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी स्मॉल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस, और अगर कुछ नहीं हुआ एज इट इज ही रही तो हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो SN1 SN2 मेजरली हमको पढ़ना होता है ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन के। अब ये जो मैंने पूरी कहानी बोली, अब होगा क्या, मैंने आपसे एग्जाम में पूछ लिया बेटा बताओ ये वाला कंपाउंड है तो मुझे बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो तुम एग्जाम में थोड़ी जाओगे पूरा एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करोगे। तो उसका एक तरीका होता है कि हम डायरेक्टली भी देखकर बता सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, ठीक है। ये लिख लिया तुमने, yes, तो लिए जो कंडीशन होती है, डिटेल एडवांस लेवल के लिए नहीं कर रहे अभी, अभी सिर्फ इतना मेंस लेवल और नीट लेवल के लिए समझना, डाइसिमेट्री, डाइसिमेट्री की कंडीशन होती है, अगर डाइसिमेट्री प्रेजेंट है दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है। डाइसिमेट्री का मतलब होता है कि बिल्कुल भी सिमेट्री ना हो, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे कि ये मैंने ए लिखा, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ए मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ तो मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, हमको चाहिए कि बिल्कुल सिमेट्री ना हो, बिल्कुल 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 सिमेट्री। और दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे इसके अंदर यहाँ पर OH लगा देते हैं, यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 लगा देते हैं, यहाँ पर CH3, तो एक ऐसा सेंटर प्रेजेंट है इस रिंग वाले के लिए बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की, इवन नंबर ऑफ रिंग वाले के अंदर, मतलब इवन कार्बन हो जिसके अंदर, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैं उसको मेन मुद्दे की बात पे अभी आ रही, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं एकदम ही ब्लैंक नहीं छोड़ सकती कि जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चले तो अगर हमको सेम ग्रुप मिल रहा है, इधर से एक तरफ OH मिल रहा है, उसे की ऑपोजिट साइड भी OH मिल रहा है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऐसे इधर से एक तरफ मिथाइल है, इधर भी तरफ मिथाइल है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर किसी भी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है, हमको कोई सिमेट्री नहीं चाहिए, कोई 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 सिमेट्री नहीं चाहिए। अगर जरा सी भी सिमेट्री हुई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और हमको सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिविटी से ही मतलब है। क्लियर, समझ में आया? तो yes, कल की हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में ऑप्टिकली एक्टिव काइरालिटी से जानेंगे कि काइरल क्या होते हैं, और उसी से फिर हम लोग अनानशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स और SN1 SN2 करेंगे, ठीक है।